ये कैसे पता चले कि हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है, इसके लिए आज एक बहुत ही सिंपल और एक सस्ता सा टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद अपना टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में आपको रोज वॉक करना है और 30 से लेकर 45 मिनट तक आपको वॉक करना है। वॉक इस तरह से करना है कि आपकी धड़कन बढ़ने लग जाए, आपको पसीना आने लग जाए, आपकी सांस फूलने लग जाए। इसको थोड़ा मेडिकल की भाषा में समझें तो आपकी जो हार्ट रेट है वो आपकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसकी 70% तक बढ़ जाए एक्सरसाइज करते टाइम। इसको समझते हैं, किसी भी इंसान की जो मैक्सिमम हार्ट रेट रहती है वो रहती है 220 माइनस एज, यानी कोई भी इंसान है उसकी 220 में से उसकी एज निकाल दो तो जो रेट आएगी वो उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट है। यानी कोई 40 साल का इंसान है तो उसकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो रहेगी 220 माइनस 40 इक्वल टू 180, तो उसकी जो मैक्सिमम रेट है वो 180 है। अब आपको 180 का 70% तक आपको हार्ट रेट बढ़ाना है, यानी 180 का 70% हो गया 126, तो इसको आप 130 के लगभग मान लो। तो आपको वॉक इस तरह से करना है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो आपकी जो धड़कन है 130 बीट पर मिनट के हिसाब से चले। अब कैसे पता करेंगे कि आपकी हार्ट रेट कितनी चल रही है, इसके लिए आप कुछ रिस्ट वॉच आती हैं या कुछ हार्ट रेट ट्रैकर भी आते हैं वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी देर रुक के आप दो फिंगर यहाँ पे अपने रिस्ट पे रखें और यहाँ पे आप पल्स फील कर सकते हैं और 15 सेकेंड के लिए इसको काउंट करें और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपकी हार्ट रेट आ जाएगी। तो इस तरह यदि आप वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं और आपकी हार्ट रेट आपके टारगेट हार्ट रेट तक अचीव कर रखी है आपने और आप 30 से लेकर 45 मिनट तक कंटिन्यू वॉक कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, आपका हार्ट एकदम हेल्थी है। इन लोगों को पहले स्टंट लगे हुए हैं जिनका बाईपास हो रखा है या सर्जरी हो रखी है और वो लोग भी यदि ये एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनके स्टंट या उनकी सर्जरी या उनके जो बाईपास है वो एकदम अच्छा चल रहा है, उनके भी कोई दिक्कत नहीं है। इस टेस्ट के साथ में आपको आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका शुगर क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, ये टेस्ट एक बार आपको करवाने चाहिए। और साथ में आपको किसी तरह का कोई स्मोकिंग या नशा नहीं करना है, आपको वजन नहीं बढ़ने देना है। यदि सारी चीजें आपकी नॉर्मल हैं और आप डेली वॉक करते हैं तो आपका हार्ट एकदम हेल्दी है, आपकी कोई ब्लॉकेज नहीं है और फ्यूचर में ब्लॉकेज होने के चांस भी बहुत कम है। ब्लॉकेज के लिए ये टेस्ट सही क्यों मानते हैं, क्योंकि जैसे भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे आपका क्या करते हैं, टीएमटी करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। टीएमटी में क्या, आपको एक मशीन पे चलाएंगे, आपके ईसीजी कनेक्ट कर देते हैं, बीच बीच में आपका बीपी चेक करते रहते हैं और उसमें भी यही देखते हैं कि भाई आपके हार्ट रेट कितनी बढ़ गई है, आपको कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा है, और यहाँ पे आप खुद अपना चेक कर रहे हैं कि भाई आपकी हार्ट रेट आपके टारगेट हार्ट रेट तक है या नहीं है। तो एक तरह से ये टीएमटी टेस्ट हो गया, इसमें आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह आप खुद अपना टेस्ट करके पता कर सकते हैं आपका हार्ट कितना हेल्दी है, आपके ब्लॉकेज है या नहीं है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, रोज 5 से 10 मिनट स्टार्ट करें, उसके बाद में 2-2 मिनट बढ़ाते हुए आप 30 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करें ताकि आपका हार्ट एकदम हेल्दी रहे।